हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली 64 बीपीसी का रिजल्ट पब्लिश हो गया है और अब 66 बीपीसी का मेंस भी विद इन 1 to 2 months यानी कि अगस्त में होने की पूरी चांस है। ठीक है, इसी रिगार्ड में 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ऑथेंटिक सोर्सों से ये पता चला है कि आपका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लास्ट जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में पब्लिश करने होने की पूरी संभावना है और 1 से 2 हफ्तों में आपको कैलेंडर भी देखने को मिल सकता है। तो जो टोटल पोस्ट अभी जो पता चल पाया है वो है 450 प्लस में, लेकिन पोस्टों की संख्या में बढ़ोतरी, पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले 2 बार से 65वीं 66वीं में देखा जाए, 64वीं में देखा जाए, तो SDM, DSP और जितने भी जो अच्छे पोस्ट उनकी संख्या कम हो गई है। तो इस बार आपको पोस्ट देखने को अच्छे खासे मिल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि स्ट्रेटजी क्या बनाएं, कैसे तैयारी करें और कैसे इस एग्ज़ाम्स को इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल होता है बीपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी सबके लिए। तो इसका एक ही तरीका है, जो अपना बीपीएससी है वो ऑल स्टेट पीसीएस से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न अभी भी ओल्ड पैटर्न पे है और आपको 150 क्वेश्चन टू आवर्स में 2 घंटे में करने को होते हैं और कुछ नो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि कोई बड़ी बात नहीं कि 67 बीपीएससी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन एक सीसेट का छोटा सा पैटर्न देखने को मिल सकता है अगर हो जाए तो, लेकिन बहुत ही कम चांस है। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स को कैसे कवर करें और कैसे 3 महीने में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, 3 से 4 महीने। तो इसके लिए सबसे बड़ा फंडा ये है कि आप NCERT को थोड़ा पढ़ें। ठीक है, अगर किन्हीं को NCERT के नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, फुली हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, NCERT के जो आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों का है, लेकिन स्पेशली प्रीलिम्स में ज़्यादा काम आएगा लूसेंट। मैं लूसेंट को बार बार कहते आ रहा हूँ, 66 के लिए बोला था मैं। लूसेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है 67 किसी बीपीएससी या किसी अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो GK और इसका जो जनरल साइंस का सेक्शन है आप लोग उससे कंप्लीट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रम से आप मॉडर्न इंडिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। लूसेंट से आप मेडाइवल और एंशिएंट को कवर कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम को थॉरली आप कवर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, बिहार स्पेशल के लिए ये क्राउन, ठीक है, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप उसे चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत मार्वलस कंटेंट है, जहाँ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। घटना चक्र, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आपको मिल सकते हैं, और यहाँ से आप करंट अफेयर का भी सेक्शन कवर कर सकते हैं। स्पीडी भी एक बहुत ही आपको क्रूशियल होगा, जो कि नेशनल इंटरनेशनल से लेकर बिहार स्पेशल तक को कवर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी 67 बीपीएससी के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, मुझे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी न्यू कमर हैं और जिनका भी गलती से 65 का मेंस नहीं हुआ है, 66 का मेंस देना है और प्रीलिम्स किसी बार में बार बार प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो अपनी स्ट्रेटजी को इसके तरीके से करें तो 99% का 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। थैंक यू।